नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रफीगंज प्रखंड के भदवा गांव में बेखौफ अपराधियों ने 5 जगह पर अलग अलग आगजनी की थी। इसी सूचना के आधार पर लोजपा रामविलास पार्टी के 7 सदस्यीय टीम ने सूचना पाकर पार्टी की जांच सदस्य टीम पहुंची और पीड़ित परिवारों से मिलकर एक एक बात की। ग्रामीणों से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि यह सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचार की सरकार है। इसी प्रकार लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह और अपने 7 सदस्यीय टीम के साथ सोनारचक गांव में मिले 5 मृतक मासूमों के परिजनों से गहरी शोक व्यक्त किए। बताते चले कि मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र के पीरवा पंचायत अंतर्गत सोनारचक गांव में गुरुवार को स्नान करने के दौरान तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना पर लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव सह रफीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे प्रमोद कुमार सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शनिवार को सोनारचक गांव का दौरा किया और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। इस गमगीन माहौल में सिंह ने मिलकर मृतक मासूमों के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि आप सभी हिम्मत और धैर्य रखें, ईश्वर आप सभी को इस शोक से उबरने की शक्ति दे। आगे लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग रफीगंज और मदनपुर थाने का घेराव करेंगे और प्रखंड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। आगे सभी जांच कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस घटना की जांच रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार चिराग पासवान को सौंपी जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का काम करेगी। देखिए प्रेमा फैसी फाइनल सही है कि हम जब उस बच्चे डूब के मर गए, उनके जब हम गार्जियन से मिले तो वो लोग तो यही कहे कि इस तरह मतलब गड्ढा खोदा है, लगता है जैसे कुआं खोद दिया, थोड़ा गया बच्चा गया डूब गया। तो इसमें एकदम पूरी की पूरी प्रशासन के यहाँ के जिला कलेक्टर एसपी की पूरी मिलीभगत है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके चलते हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हमारे लोग इतना दुखी हो रहे हैं और सरकारी पैसों का लूट होता है, बंदरवाट होता है। इस घटना का कोई जिम्मेवार है और किसी को सजा मिलनी चाहिए तो यहाँ के प्रशासन को मिलनी चाहिए जो आंख बंद करके सारा चीज को देखते रहता है। हमारी पार्टी तो उसको सरकार को हटाने के फेर में है, हटाना उसे ही हमारी अकाउंटेबिलिटी, उसको हटा देना है। और धरना प्रदर्शन ठीक है, वो चीज है, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है ऐसे निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को हटा के फेंक देना, उसी गड्ढा में पोखर में डाल देना। ये जो टेक्निकल है कि पोखर है, कुआं नहीं खोदना है, इन लोगों ने पोखर के नाम पर कुआं कहीं कहीं पर खोद दिया है, तो इसका सिमेट्रिकल लेवलिंग नहीं है। सिमेट्रिकल लेवलिंग नहीं होने से अचानक 2 फीट के पानी से चला गया 20 फीट, से चला गया। तो इसके लिए जो लोग भी जिम्मेवार हैं उन पर ये फिक्स करना चाहिए और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि तालाब की तरह सिमेट्रिकल इसका लेवलिंग होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण बाबू, मंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्षा रेणु कुशवाहा जी, हमारे जिला प्रभारी राकेश सिंह जी, अरविंद बाबू राष्ट्रीय सचिव का एक कमेटी बना है, उस कमेटी में मैं भी हूँ और मैं तो यहाँ लगातार 12-13 वर्षों से इन लोगों के बीच में हूँ। ये हमारा रफीगंज विधानसभा का ये पीरवा पंचायत जो है, इस बॉर्डर का गांव है सोनारचक, मैं बहुत इस घटना से दुखी हूँ। और हमारे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा यहाँ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस घटना को सुन करके तत्काल कमेटी का गठन किए। हमारी पूरी लोजपा परिवार आहत है इस घटना से और हमारा तो व्यक्तिगत सभी लोगों से रफीगंज विधानसभा में घर घर का संबंध है, तो हमें तो और दुख है। कारण मैं नज़दीकी से सबके घर में आया हूं, 10-12 सालों में करीब करीब 10 से 12 बार इस गांव में भी आया हूं, तो हमें तो काफ़ी दुख है कि ये होनहार बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ और ये असहनीय पीड़ा है। और हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी और हमारी पार्टी जहां भी बिहार में किसी तरह का ऐसा घटना दुर्घटना हो रहा है, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सजग हो करके कमेटी बना करके और कमेटी के सदस्यों को भेज करके रिपोर्ट लेते हैं। और हम लोग, हमारी पार्टी ही असहाय गरीबों के साथ में है, ऐसे घटना दुर्घटना में हर समय हमारी पार्टी उपस्थित रहती है और ये बहुत दुखद घटना है।